नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे कि जो ह्यूमन जीनोम है हमारा, नहीं वो पूरा का पूरा जो जैसे डीएनए की जो सीक्वेंस है, पूरी पूरी डीएनए की जो हमारे अंदर सीक्वेंस है ना, उसको ये समझो कि रीड किया गया है। रीड किया गया मतलब उसको पूरा पढ़ा गया है, यानी उसमें एक एक न्यूक्लियोटाइड कौन सा किस पोजीशन पर है ये पढ़ा गया है। ठीक है, पहले तो आप ये जीनोम जो वर्ड है इसका मतलब जान लो कि जीनोम शब्द का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब होता है कि आपके हैप्लोइड क्रोमोसोम में, जो आपका हैप्लोइड क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लोइड क्रोमोसोम में पाया जाने वाला जितना टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है ना, वो सारा का सारा जीनोम है। जीनोम इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे जीनोम कहते हैं। जो जीन हैप्लोइड में होंगे वही जीन आपके दूसरे सेट में होंगे। ह्यूमन की बात है तो ऐसा तो है नहीं कि एक सेट में दूसरे जीन होंगे, दूसरे सेट में दूसरे जीन होंगे। ठीक है, तो पूरे को रीड किया गया है तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है आपको। चलो देखते हैं क्या क्या बताया है। यहाँ बताया है आपको कि इन द प्रिसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। ये कह रहे हैं कि जो जेनेटिक मेकअप है उसका, एक आदमी का, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ रहती है, डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर रहती है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पर उनके डीएनए सीक्वेंसेस अलग होती है अगर दो आदमी डिफर डिफर करता, अलग अलग होते हैं। दीज अजम्पशंस लेड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन जीनोम। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। मतलब आप बायोटेक में ऐसे कर सकते हो कि आप डीएनए को लेकर कॉपी कर सकते हो। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वॉज लॉन्च्ड इन 1990। ठीक है ना, जबकि सारी टेक्निक थी, कौन सा जो है कौन सी टेक्निक लगानी है इनको सब पता था उस टाइम पे भी ना। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डीएनए को सीक्वेंस करने की टेक्निक बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बना लिया था जिससे सीक्वेंसिंग जल्दी भी होती थी। सीक्वेंसिंग ये करते क्या थे, पहले डीएनए को डाइजेस्ट किया, पूरा टुकड़े करे, उसके उन टुकड़ों की कॉपी करी और कॉपीज को उसकी सीक्वेंस किया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा देखो कितना वो बताया, जैसा आइडिया दिया है इन्होंने कुछ, कि एचजीपी वाज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। आपके स्कूल में बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि भाई बताओ व्हाई द एचजीपी इज कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट, इसको एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे नीचे से कि यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर। तो ये आपको एक सेट के बताए हैं, दूसरे सेट में इतने ही और होते हैं। ठीक है, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग इज US$3 पर बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर को सिक्वेंस करने की कीमत $3 हो तो टोटल जो खर्चा बैठेगा वो $9 बिलियन बैठेगा। ठीक है, एंड फर्दर इट इफ द ऑब्टेन सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप और बुक्स। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन आएगी कि डीएनए में कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ है, वही मतलब ATGCTGTAC इस तरह से, तो फर्दर
वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको अगर आप किताब में रखोगे ना, बुक में रखोगे, तो वो भाई ऐसी ऐसी हजार, एक पन्ने में 1000 लेटर होने चाहिए, ठीक है, और हर किताब में 1000 पेज होने चाहिए, और ऐसी 3300 किताब चाहिए, तब तुम उस इन्फॉर्मेशन को लिख पाओगे, स्टोर कर पाओगे, तब जाके तुम उसे स्टोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी बकवास हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा कौन लिखता किताबों में थोड़ी करते। तो इन्होंने क्या किया, सुपर कंप्यूटर बना लिए, कंप्यूटर बना लिए इन्होंने, क्या किया, इतना ज़्यादा जो डाटा था ये से कंप्यूटर में रखा गया है, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज की गई डाटा स्टोरेज के लिए, रिट्राइवर के लिए एंड एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई कॉपी में तो भाई आप मतलब एक सीक्वेंस ढूंढनी है कहीं पे है उसे ढूंढ रहे पागलों की तरह, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एच जी पी वॉज क्लोजली एसोसिएट विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स क्या थे एच जी पी के, क्यों क्यों ये करना चाहते थे इसको ऐसा सीक्वेंस, तो गोल्स इनके ये थे कि एक तो ये जानना चाहते थे कि भाई इनको लगता था कि भाई ह्यूमन का जो डीएनए है ना, ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स हैं या उनमें उनमें 20 से 25 हज़ार जीन हैं, ठीक है, अभी ज़्यादा ले आज अभी ज़्यादा है, अभी तो ज़्यादा का मतलब है अभी जो है ज़्यादा पता है इनको कि भाई इतने जीन्स हैं, 30 हज़ार या कुछ जीन्स हैं, ठीक है, लेकिन सबका पता चल नहीं पाया, सिक्वेंस सबको ये नहीं पता लगा अभी कौन सी क्या कर रही है, ठीक है, कुछ ही का ही पता चल पाया है। तो एक तो ये जाते थे जानना कि भाई कितने जीन्स होती है, दूसरा डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, और ये जो हमारे में 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं उनका सीक्वेंस जानना चाहते थे कि भाई उनका क्या सीक्वेंस है, ठीक है ना, कौन से के बाद क्या है, किस क्रोमोसोम में किस जगह पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा जानना चाहते थे। नेक्स्ट है स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, उसको स्टोर करना था इनको। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, उसके लिए टूल्स बनाने थे डाटा एनालिसिस के लिए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे बी अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो ये है ना ईएलएसआई, तो कई बार ये ईएलएसआई पूछ लेते हैं कि बस फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि ईएलएसआई किससे रिलेटेड है, तो है कुछ नहीं, सवाल बनाने के लिए जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। नीचे दिया है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 13 साल तक चला था, 13 ईयर प्रोजेक्ट है, कोऑर्डिनेटेड बाई, ये सवाल आता है किसने कोऑर्डिनेट किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एच जी पी अ वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम अ मेजर पार्टनर, एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एक्सेट्रा, एंड द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003। प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में पूरा कर लिया गया था, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोजोम नंबर 1 था ना, क्रोमोजोम नंबर 1 नहीं सीक्वेंस हुआ था, ठीक है, बाकी तो ठीक थे, क्रोमोजोम नंबर 1 जो है वो 2006 में जाकर लगभग पूरा हुआ है उसका काम। ए नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, मतलब जब डीएनए सीक्वेंसिंग होगी हमारे क्रोमोजोम की, तो उससे क्या होगा कि डायग्नोज करने का नया तरीका मिले, ट्रीट करने का, सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग से जो ऐसे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स थे उनका पता चल गया, ठीक है ना, क्योंकि जीन्स की सीक्वेंस पता चल गई, तो जीन्स की सीक्वेंस पता चल गई तो मतलब सारी चीज़ें ही पता लग गई फिर तो, ठीक है। तो बिसाइड प्रोवाइडिंग क्ल्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेज हेल्थ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे जैसे बाकी जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो या फिर और, उनसे हम उनके अंदर जब उनका जीनोम सीक्वेंस कर लिया तो उससे हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने किस चीज़ का कर लिया, जैसे इन्होंने बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस कर लिया, ईस्ट का कर लिया, सी एलिगेंस का कर लिया। यहाँ से आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो सी एलिगेंस है वो क्या है, सी एलिगेंस जो है वो निमेटोडा है, ठीक है भाई,
अब पता क्या चक्कर है, नीमेटोडा में जो 11th क्लास में जब नीमेटोडा पढ़ते हैं तो वहाँ एस्केल्मिन्थीज में है ये, ठीक है, तो वहाँ एस्केल्मिन्थीज की सबसे बड़ी क्लास होती है नीमेटोडा। वहाँ जो है बताया नहीं है इसका एग्जाम्पल ये सी एलियंस, और ये पूछते हैं कि किसका एग्जाम्पल है ये, मेडिकल में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो या फिर ये पूछते हैं इनमें से किस किस का जीनोम सीक्वेंस हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो ये ड्रोसोफिला, ठीक है, या फिर कई बार ये पूछते हैं कि भाई कौन से प्लांट का सबसे पहले हुआ है, तो आप राइस प्लांट बता देना, राइस होता है ऑप्शन में, दोनों होते हैं राइस और अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, इसका भी हो गया है, थोड़े से क्रोमोसोम थे इसमें तो 4 ही क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो बैक्टीरिया का सबसे पहले हुआ था हीमोफिलस बैक्टीरिया था एक, उसका हुआ था सीक्वेंस, ठीक है, तो आई हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस्ड, तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग कर ली। अब यहाँ जो है इन्होंने बताया कि भाई कौन कौन से मेथड इसमें लगाए गए हैं, क्या मेथडोलॉजी यूज करी गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेथडोलॉजी के बारे में भी बात नहीं करी, बस ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा सब कुछ बता दिया है। तो देखो एक बार इन्होंने यहाँ दो वर्ड लिखे हुए, आपको बड़े बड़े बोल्ड बोल्ड दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये दिख रहा होगा EST, एक दिख रहा होगा सीक्वेंस टैक्स, ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई पहले तो जब सीक्वेंसिंग की बात हुई कि भाई केवल उस पार्ट का सीक्वेंस कर लेते हैं डीएनए जो जीन है, पहले उस पार्ट का डीएनए सीक्वेंस कर लेते हैं जो जीन पार्ट है, ठीक है, बाद में जो सीक्वेंस एनोटेशन वाला पार्ट है इसमें ये है कि भाई सारा सीक्वेंस कर लेते हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पार्ट जीन है, तो ये दो बातें तो ध्यान रखना कम से कम। अभी देखो यहाँ लिख इस ये ऐसी बातें जो अंदर मिलेगी तुम्हें, कि द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच, दो अप्रोच लगाई, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, एक तो ये थी कि भाई केवल सभी जीनों को सीक्वेंस कर लिया जाए जो जीन्स हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड, मतलब जो प्रोटीन बनाती है एज आरएनए, बना आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना, तो इसे तो कहा गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स, एंड द अदर टू द ब्लाइंड अप्रोच, दूसरी जो थी वो ब्लाइंड अप्रोच थी, सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब दूसरा क्या था पूरा सेट जो है उसे सीक्वेंस कर दो, दैट इज कंटेन ऑल दैट कोडिंग और नॉट कोडिंग, सब कुछ जो भी जीन आया डीएनए वो सब पढ़ दो, मतलब सारा सीक्वेंस करके लगा दो, असाइन कर दो कौन से क्रोमोसोम का क्या है, बाद में देखेंगे कि जीन क्या है जो फंक्शन करता है, ठीक है, लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस, अ टर्म रेफर टू ऐसे कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन, तो ये अगर सीक्वेंस एनोटेशन आया तो यही लिखना है ऐसे ही ऐसे वाला कि ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसिंग एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस, ये लिखना है बस। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इंटू रैंडम फ्रेगमेंट, सिक्वेंसिंग के लिए करते ये हैं कि पहले आप जो है डीएनए को लेते हैं उसके टुकड़े कर लेते हैं, इसके ऊपर टुकड़े करना काटना ये तुम बायोटेक्नोलॉजी में सीखोगे, अभी तो मैं यहीं यहाँ पे नहीं आएगा, टुकड़े करना काटना ना ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है कि हाउ टू मेक द पीसेस ऑफ द डीएनए एन ऑल, ठीक है, तो लिखा है फॉर एग्जाम्पल या फिर फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इंटू रेंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और भाई ऐसा नहीं करते कि एक सेल के डी एक सेल से निकाल के नहीं करते, कई सेल से निकाल करके सेम करते हैं काम, मतलब कई सारे टुकड़े एक जैसे होंगे तो फिर उनकी कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है, कॉपिंग के बाद उनको सिक्वेंसिंग जो मेथड है उसमें ले जाया जाता है, ठीक है। देखो ये जो रैंडम पहले क्या करते हैं, पहले डीएनए के रैंडम फ्रेगमेंट बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं, काटते हैं उनको, फिर उनकी कॉपीइंग कर लेते हैं, कॉपी करने का मैकेनिज्म है वो आप बायोटेक्नोलॉजी में जान लोगे, कॉपी करने के बाद एक टेक्निक नीचे बताई है, बताई तो है नहीं जस्ट नाम बताया कि सेंगर की टेक्निक थी एक, उसका पूरा नाम भी नहीं बताया, पहले तो वो मैनुअल उसने तो वो मैनुअली बताई थी, सेंगर ने तो टेक्निक मैनुअल बताई थी, तो इन्होंने क्या किया उसको कंप्यूटराइज कर लिया, बस इतना किया है,
वैसे तो अगर मान लो वही मैनुअल करेगा तो एक दिन में 700 बेस पेयर कर पाते थे, 700 तक कर लेते थे सीक्वेंस। ठीक है, अभी मशीनों से ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भाई एंड क्लोन द इनसुटेबल, इसको क्या करते हैं, क्लोन करते हैं होस्ट में। क्लोन करने का मतलब यही होता है कि कॉपी करते हैं उसकी, एंड यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स देखो, अब वेक्टर्स क्या होते हैं एक वर्ड में समझ लो, कि अगर आप किसी डीएनए के टुकड़े को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए उसमें वो पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर होना चाहिए, तभी होगा। तो हम जो वेक्टर कह रहे हैं ना, वेक्टर मतलब वो डीएनए है जो उसको, जिसको मुझे कॉपी करना है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कराएगा। एक लाइन में भी समझो इतना, कि वेक्टर इज दैट पर्टिकुलर डीएनए विच प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू द डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। डिजायर्ड फ्रेगमेंट मतलब जो मैं, मेरी इच्छा का जो डीएनए का टुकड़ा है ना, उसको चाहिए होता है कॉपिंग के लिए, उसमें जोड़ देते हैं फिर वो कॉपी हो जाता है, ऐसा है। एंड द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए। क्लोनिंग से क्या होगा, हर एक जो टुकड़ा है डीएनए का उसकी कॉपियां बन जाएंगी, कई कई कॉपियां। कॉमनली यूज होस्ट, होस्ट में जो होस्ट जिसमें कॉपी किया है उस होस्ट को बैक्टीरिया ईस्ट में किया है, और वेक्टर जो यूज किए गए दे आर बैक और याक। तो यू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरिया ओनली राइट नाउ। यहाँ से पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से वेक्टर यूज किए गए, तो आपसे पूछा जाएगा बैक और याक के। जस्ट फुल फॉर्म आपके पेपर में आती है और नाम पूछ लेते हैं बस। या आपसे यहाँ से बहुत टफ सवाल जो होता है वो ये होता है कि भाई सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कॉपी कौन करता है, तो वो ये करता है 1 MB तक का ये फ्रेगमेंट कॉपी कर देता है। ठीक है, बाकी छोटे करते हैं, थोड़ा छोटा करता है, और बहुत सारे हैं छोटे छोटे से, वो मतलब कम कम कॉपी करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉपी करता है, सबसे बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट जोड़ता है इसके साथ में और कॉपी कर देता है उसकी यैक। तो दीज आर द आर्टिफिशियल वेक्टर्स, तो इनके नाम बस फुल फॉर्म याद करनी है। यहाँ पे आपको ना पूछेंगे कि भाई बताओ कौन सा यूज करते थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। नेक्स्ट, यहाँ टेक्निक के बारे में कुछ बात की है कि भाई द फ्रेगमेंट वर सिक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर्स हैं अभी तो आजकल, जो कि फ्रेडरिक सेंगर के बनाए गए प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, सेंगर ने प्रोटीनों के सिक्वेंसिंग के लिए भी टेक्निक बनाई हुई है, ये लिखा है यहाँ पर इन्होंने, सेंगर ने। तो ये नहीं बताया टेक्निक क्या है, ठीक है, उस पर हम बात भी नहीं कर सकते अभी यहाँ आपके साथ। एंड दीज सिक्वेंसेज वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स। तो ये सिक्वेंस जो है कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स के अकॉर्डिंग वो किए जाते हैं, मतलब अरेंज किए जाते हैं। देखो आप ये समझो कि ये डीएनए था, इसके टुकड़े कर लिए ऐसे। ठीक है, अब टुकड़े करने के बाद चलो सब हर एक टुकड़े का सीक्वेंस कर लिया, सब पे पता चल गया ATGCTA, इस पे कैसा है, इस पे सब सबका पता चल गया इन टुकड़ों का। अभी ये पहले टुकड़े के पहला कौन सा है, इसमें से ये कैसे असाइन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पता पांचवा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो पता नहीं चलेगा ऐसे, तो ऐसे कोई इनको पता थोड़ी था पहले से डीएनए में क्या है। तो इसके लिए करते क्या है कि कई मतलब कई कॉपी बनाते हैं इनकी ना, कई कई से अलग अलग और अलग अलग एंजाइमों से कटवाते हैं। जैसे एक एंजाइम ने, एक एंजाइम इस धागे को एक यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है, यहाँ से, दूसरा एंजाइम इस धागे को यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है, तो मेरे पास दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, छोटे वाला ये और एक बड़े वाला ये, ठीक है ना, और अगले वाला ये और एक ये। तो भाई होगा क्या, या फिर एक ये टुकड़ा, तो मेरे पास, मुझे, मैं जब सीक्वेंस कर लूँगा तो मेरे पास कुछ लास्ट में ओवरलैपिंग रीजन्स आएंगे। भाई दो अलग अलग, इसे आधा तो एक जैसा चल रहा है, फिर आ गया ये और ये दूसरे वाले के शुरू में है यहाँ पर, मतलब ये मैच कर गया, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि पहला ये था, दूसरा ये है, यहाँ से शुरू है दूसरा यहाँ तक है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा, अलग अलग साइज के अलग अलग टुकड़े अलग अलग एंजाइमों से कटवा रखे हैं और उनकी सबकी सिक्वेंसिंग कर रखी है। तो मुझे पहचानने में मदद होती है कि भाई मुझे यहाँ से इसको इसके दूसरे नंबर पर लगाना है, तीसरे नंबर पर लगाना है, तो वो ओवरलैपिंग रीजन्स की मदद से इसको पहचान लिया जाता है। लाइक अगर मान लो, समझ रहे ना मेरी बात को, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है,
भाई यहाँ से इसका एक टुकड़ा, ये लंबा डीएनए था, इसको टुकड़े काटे, दो तीन, तीन में कटा। अब तुम्हें पता नहीं पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तो दूसरे एंजाइम से कटवाओगे तो वो यहाँ से काटेगा, यहाँ से कटवाया उसने, फिर तुम्हारे पास दो टुकड़े आ गए, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई पहले वाले की सिक्वेंसिंग, इसकी सिक्वेंसिंग करोगे तो तुम्हें इससे मैच कर लोगे, तो तुम देखोगे कि इसमें शुरुआती सिक्वेंस यही है तो इसके बाद वाला भी यही होगा सेकंड नंबर पर, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सिक्वेंसिंग। देखो क्या लिखा है, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट, इस ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट बनवाने पड़ते हैं तुम्हें मतलब, ठीक है। एन अलाइनमेंट ऑफ दी सिक्वेंस वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, देयर फॉर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर यूज, दी सिक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। फिर इनके बता दिया जाते हैं कि भाई पहले क्रोमोसोम के लिए है, दूसरे क्रोमोसोम का, तीसरे का, चौथे का, ऐसा। एंड द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वन वॉज कम्प्लीटेड बाई 2006। तो सबसे बाद में ये बड़ा था, इस पर बहुत सारे जीन थे, तो ये लेटर सबसे बाद में हुआ है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, तो सबसे लास्ट में जो था वो क्रोमोसोम नंबर वन हुआ है। इसके बाद इन्होंने अगले पेज पे यहाँ थोड़ी प्रॉपर्टीज दी है, सेलियंट फीचर्स दिए हैं, ठीक है। लिखा है कि भाई ये टू बी सीक्वेंस, लिखा अनदर चैलेंजिंग टास्क, एलन टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम, दिस वाज जेनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। ये सब ये लाइन आप बायोटेक से ही समझ पाओगे कि रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस और रिकॉग्निशन साइट्स क्या है, ठीक है। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस शैल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ पढ़ोगे आप तो तब मैं आपको बताऊंगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है और इसके यहाँ यूज किया, कैसे कैसे यूज किया गया, ठीक है। यहाँ देखो आप इसके लिखा है प्रॉपर्टीज, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ये याद करनी है आपको कि भाई ह्यूमन जीनोम में इतने बिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। हर एक एवरेज जीन में 3000 बेस होते हैं, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है उसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ से याद करना है आपको कि भाई एस्टिमेटेड जो है वो 30,000 जीन है, पहले सोचते थे 80,000 1 लाख होंगी, ठीक है। यहाँ लिखा है इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, 99% न्यूक्लियोटाइड बेस इन ऑल पीपल, कोई भी दुनिया के आदमी हो उनमें सब में 99.9 डीएनए सेम है, सब में सेम, 0.1% चेंज है थोड़ा बहुत, ठीक है। इन द फंक्शन ऑफ नोन एज 50% डिस्कवर्ड जीन्स, अभी आजकल जो है 50% जीन्स का ही पता चल पाया कि जो काम है, बाकियों का भी कुछ नहीं पता चला, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखना कि लेस देन 2% जो जीनोम है वो प्रोटीन बनाता है, आप समझ रहे हो, टोटल 100% का लेस देन 2% ही प्रोटीन कोड करता है, बाकी का तो ऐसे ही है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं, रिपीट 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 रिपीट, बस कुछ भी ऐसे ही, ठीक है, वो नहीं कोड करता कुछ भी। रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, रिपीटेटेड सीक्वेंसेस जो है वो ज़्यादा बड़ा पोर्शन बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड इन मैनी टाइम्स, सम 100,000 टाइम्स, ठीक है ना। मतलब जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हजार हजार बार रिपीट हैं, दे आर थोट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, वो कुछ नहीं कोड करते, जीन का पार्ट कभी रिपीट होती ही नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें मदद करते हैं बताने में कि भाई ये रिपीटेटेड सीक्वेंस उन 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 ऑर्गेनिज्म में भी थी, यही रिपीटेटेड सीक्वेंस इनमें भी है, तो इसका मतलब हमारा इवोल्यूशन उनसे हुआ है, उसमें मदद करते हैं। ये दोनों लाइनें याद करनी है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों लाइन, क्रोमोसोम वन में 2968 जीन्स हैं और वाई में 231 जीन्स हैं, ये याद रखना है, और ये जरूर याद रखना है प्लीज, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, ये भूलना नहीं है, दिस वन सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन, और ये दोनों नंबर, ठीक है, कितनी जीन होती है क्रोमोसोम नंबर वन में और कितनी होती है वाई में। नेक्स्ट एक आया साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, इस बार बोर्ड में आया था ये भाई, इस बार ये बोर्ड की फुल फॉर्म पूछी गई थी ये वाला, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, मतलब इतनी लोकेशन हमारे में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं जहाँ केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड का चेंज है, जहाँ केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज है, ठीक
ठीक है, एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस ऑफ रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं SNPs का। तो बस आपसे मेरे को पेपर में पूछा था बोर्ड में कि SNP क्या है, कहाँ हो, तो बस कुछ भी नहीं था, ये लाइन लिखनी थी वहाँ पे 1.4 बिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम दैट इज SNP। बस ये था, एक नंबर का था ये। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि भाई एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, लिखा है डेराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। दिस एनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट चाहिए इसके लिए, हर एक डिसिप्लिन से चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन हैविंग अ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस मे वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। इन द पास्ट रिसर्चर स्टडी वन ऑफ द फ्यू जीन्स एट ए टाइम, पहले एक ही टाइम में एक जीन को रिसर्च कर पाते थे, विद होल जीनोम सीक्वेंस अ न्यू हाई थ्रू पुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड ऑन ए मच लार्ज स्केल ब्रॉडर स्केल। दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन ए जीनोम, फॉर एग्जाम्पल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन ए पर्टिकुलर टिश्यू, मतलब ये जान सकते हैं कितने ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, RNA होते हैं, और ऑर्गन और ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स आर प्रोटीन वर्क टूगेदर ये जान सकते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जान सकते हैं इनका, आप हमेशा आपस में कौन से केमिकल का किससे है, मतलब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम के साथ मिल करके आप जो है काफ़ी चीज़ों को आगे इलेबोरेट कर सकते हैं। और ये रिसर्च का एक नया आइडिया है, ठीक है, कौन सी जीन क्या करती है, कब करती है, किसके साथ करती है, दो दो जीनों का इकट्ठे क्या काम होता है, कौन डिजीज कोजिंग है, कौन कैंसर कोजिंग है, इस तरह की चीज़ें। तो ये था तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भाई, ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं इसमें, बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, थ्योरी का सवाल है, थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, एक आधा सवाल आ जाता है पेपर में आपके, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कम यहाँ से ये भी आपके सवाल पेपर में आपके ये भी पूछे गए हैं, ये भी मतलब आप समझो बात, एप्लीकेशन भी पूछी जाती है, मतलब ये भी आपको ये शायद लिखना पड़ जाएगा वहाँ पे ना पेपर में जाके कि भाई इसके साथ साथ हम जो है नया कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपके पीछे जो प्रॉपर्टीज हैं ये पूछ लेते हैं, इनमें से एक एक नंबर के सवाल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पढ़ना, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।